आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व फौजियों के बारे विंग की ओर से पार्टी की हिमायत के लिए करीब 1.25 लाख साबका फौजियों को लामबंद करने के लिए पंजाब में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जोन और हल्का स्तर और भूतपूर्व फौजियों की मीटिंग की जा रही है। इस अभियान के तहत लुधियाना जोन में 12 और 13 जुलाई को जगराओं, मुलापुर, गालिब कला और लुधियाना में 4 अहम मीटिंग की गई हैं। इन मीटिंगों में बड़ी गिनती में भूतपूर्व फौजियों ने सम्मिलित होकर पार्टी का समर्थन करने का भी भरोसा दिया। साड़ी पार्टी दी लीडरशिप दी सोच है कि जेड़ा एक सर्विसमैन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सुशीला, जिन्हें देश की भी बड़ी सेवा की थी है, ते हुण रिटायरमेंट तो बाद समाज में अच्छी सेवा कर सकते, चाहे किस महकमे च होवे, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों वास्ते यूटिलाइज करना चाहती है, उन्होंने समस्यावां हल करना चाहती है। ये सारी उन्हों का सल्यूशन असी अपने मिनिस्टर में रिलीज करा। ये एक इशू का रेज होया, उसते उन्होंने किया शीश खतान का या फूलका जी का हरे हल पिछे आप माफ मांग ली है। साढ़े नैशनल कन्वीनर है वो 18 तक आ भी रहे, इसीलिए माफ़ी मंगा रहे। सो ये होर सीटा जी पार्टी है उसकी कोई गल नहीं, साढ़ा एक सीटा का एक बड़ा प्रोसैस हैगा, जो नॉमीनेट करते हैं वो बाद कमेटियां जाने उन्हों चीज़ों के बेस करके पार्टी टिकवंड करेगी। यहोजा कोई छोटा सिस्टम नहीं कि एक सर्विसमैन किसी का भी इन्हों को किटा देंगे। पार्टी ने यह चीज साफ छवि कैंडिडेट्स गति ये सारिया जो फैक्ट लिख के ये वंड करेगी। उत्तर भारत में फैला है हेपेटाइटिस सी का प्रकोप। जी हाँ, देश के उत्तरी हिस्से खासतौर से पंजाब में हेपेटाइटिस सी का प्रकोप बहुत अधिक है और ये लीवर से संबंधित जानलेवा बीमारी का आम वाहक है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में इस बीमारी का काफी प्रकोप है वहाँ फौरन ध्यान देने और नई दवाई एवं उपचारों के प्रति जागरूक बनाने की अत्यंत जरूरत है, इससे इस महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं डॉक्टर अजीत सूद, प्रोफेसर एवं हेड गैस्ट्रोलॉजिस्ट विभाग दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने बताया कि हालांकि सिर्फ बचाव करना ही काफी नहीं है, उन गैर जागरूक संक्रमित रोगियों की संख्या बहुत अधिक है जिनकी बीमारी की पहचान नहीं हुई है और वे संक्रमण में वृद्धि पर बीमारी के बोझ को और अधिक बढ़ा रहे हैं। जो इन्फेक्शन है थ्रू स्किन दे पियर्स करन तो इन्फेक्शन हो जाती है, जो नीडल से थ्रू हो जाती है। हुण अपना बहुत जरूरी एक चीज़ है कि जेडी भी नीडल अपनी बॉडी चाहिए वो सिंगल यूज नीडल होए और डिस्पोजेबल सिरिंज होए। कई लोग क्या करते हैं कि चेंज कर लेंगे पर सिरिंज नहीं चेंज करते, ये भी हाइजीनिक नहीं है। अपन दोनों नीडल और सिरिंज दोनों चेंज करनी चाहिए हैं, ये बेसिक चीज़ है। हाँ जी, और कॉस्ट सिरिंज की कॉस्ट 2 या 3 रुपए है। इस तरह ही आप जिस तरह जे किसी पेशेंट के नीडल सिरिंज यूज रहे हैं आप उसमें प्रॉपरली एक्चुअली डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी है। अपन सिरिंज यूज करके किसी पेशेंट की आपको सिरिंज देती है, जो डॉक्टर ने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया वो किसी बच्चे के या किसी बंदे के पैर से लग गई फिर भी इन्फेक्शन हो सकती है। इसमें ओवरकम करने वास्ते असी अपने DMC की तरफ तो भी जाके पिंडों से असी हब कटर भी देते हैं। उसमें यह होता है कि नीडल सिरिंज जी एक बार यूज उन्होंने इस तरह कटते हैं कि नीडल सिरिंज यूज हो ही नहीं सकती।